क्रांति। आज की तारीख है 2/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, कल हम बच्चों ने सुना कि मीठे मीठे बाबा हम बच्चों के लिए नई नई बातें लाए हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो आज नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना होगा वो हम मीठे मीठे बाप दादा से सुनेंगे। तो बाप दादा उवाच, मीठे बच्चे तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विथ ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। इसीलिए कर्मातीत बनने के लिए पास विथ ऑनर होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है कि बच्चे स्वर्ग के लायक बने। तो हमें स्वर्ग के लायक बनाने की दोनों बाबा मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की एक दो जन्म की भी नहीं, लेकिन बाबा से हम बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत है, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। तो बड़ा प्यारा गीत है, बाबा ने हम बच्चों को खूब अभी बेहद की बादशाही अपने हाथ में तिली पर बिस्त जैसे कि हम बच्चों को दिखाया। अब हम माया के मुरीद बन जाएंगे तो क्या होगा, रोएंगे और रुलाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये संगम युग के प्यारे बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। नंबर दो है, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है, डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है आज का, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि और निश्चिंत भव। बाबा कहते मैं आया हूँ तो तुम बच्चे अपनी सारी चिंताएं किस पर छोड़ दो, मेरे पर छोड़ दो। मैं जो तुम्हें प्राप्ति करा रहा हूँ वो प्राप्त करो और समय का ध्यान रखते हुए हर सेकंड लाभ उठाओ बाबा का। जितना हम उठा सके अपने बाबा का लाभ उठाएं, क्योंकि बाप डायरेक्ट दे रहे हैं, सन्मुख दे रहे हैं, तो क्यों नहीं लाभ उठाएंगे। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थात्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफान में हिलो मत। बाबा कहते स्वयं के ही मन और बुद्धि के द्वारा या पुराने संस्कारों से उत्पन्न होने वाले
स्वयं के अंदर अंतर जगत के तूफानों से बाबा कहते हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।